Dear friends, today we'll study about leadership and its types. यानी आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व और उसके प्रकार. सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अर्थ क्या होता है नेतृत्व का. नेतृत्व का अर्थ होता है लोगों के समूह या किसी संगठन का नेतृत्व करना या ऐसा करने की क्षमता. दिस मीन्स द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन और द एबिलिटी टू डू दिस. दिस मीन्स टू लीड अ ग्रुप और द एबिलिटी टू लीड इज नोन एज लीडरशिप. यानी वो है नेतृत्व करना या नेतृत्व करने की क्षमता को नेतृत्व कहा जाता है. ये हमारी परिभाषा अर्थ था. अब नाउ लेट अस गो फॉर डेफिनेशन. एक बार इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं. नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता एवं एक कौशल होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है. यानी कि उस समूह का कोई लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करना है. उसको प्राप्त करने के लिए अब अकेले तो लीडरशिप से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनके व्यवहार को प्रभावित किया जाता है. ये लीडरशिप है, ये इसकी परिभाषा है. यानी डेफिनेशन देखें एक बार. लीडरशिप इज अ बिहेवियरल पोटेंशियल एंड अ स्किल. आई वांट टू रिमाइंड यू हियर दैट लीडरशिप इज अ स्किल बाय विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स. अब इसके हम प्रकार देखते हैं. कर्ट लेविन एंड सहयोगी ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था 1939 में. उस एक्सपेरिमेंट का नाम था नेतृत्व निर्णय प्रयोग, लीडरशिप डिसीजन एक्सपेरिमेंट. के आधार पर उन्होंने क्या किया, वो जब एक्सपेरिमेंट किया उसके जब रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स के बेस पर या उनके आधार पर उन्होंने नेतृत्व की तीन अलग अलग शैलियों की पहचान की. उन्होंने बताया कि भाई नेतृत्व लगभग तीन प्रकार के होते हैं और आप देखोगे लेकिन यहाँ पर मैंने चार दिखाए हैं. तो जो चौथा है वो एक जर्मन समाजशास्त्री रहे मैक्स वेबर, जो एक जूरिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसा भी एक नेतृत्व होता है. कौन कौन से एक बार देख लेते हैं. निरंकुश, लोकतांत्रिक, अस्थेपी, परिवर्तनकारी और करिश्माई. ये चार प्रकार के हैं. इनको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं. टाइप्स. कर्ट लेविन एट ऑल कंडक्टेड है एक्सपेरिमेंट इन 1939. दैट एक्सपेरिमेंट वॉज लीडरशिप डिसीजन एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट दे आइडेंटिफाइड थ्री डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. बट हियर आई हैव शोन यू फोर लीडरशिप स्टाइल्स. द फोर्थ हैज बीन सजेस्टेड बाई मैक्स वेबर, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड ज्यूरिस्ट, हु सजेस्टेड दैट देर इज वन मोर टाइप ऑफ लीडरशिप दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल और एंड क्रिश्मेटिक. दिस मीन्स द थ्री कर्ट लेविन के एंड एटॉल ने जो दिए थे देवर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लिस इज फेयर. नाउ विल एक्सप्लेन दीज लीडरशिप टाइप्स वन बाय वन. निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक, समूह से संबंधित निर्णय सदस्यों अनुयायियों के परामर्श के किए बिना ही लिए जाते हैं. सिंपल भाषा में कहते हैं कि अगर समूह से संबंधित कोई भी फैसला लेना हो तो जो निरंकुश टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है, लीडरशिप शैली होती है, उसमें किसी भी समूह के किसी भी सदस्य से कोई सलाह या कोई परामर्श कोई नहीं लिया जाता. ठीक, जैसे आप देख ले सैन्य नेतृत्व, हालांकि वो ऑटोक्रेटिक नहीं होते हैं लेकिन उसमें सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें जो दूसरे लोगों से जो समूह के सदस्य हैं उनसे हमें सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्लानिंग होती है. दूसरा देखेंगे आप तानाशाही. ये तानाशाही का तो बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है निरंकुश लीडरशिप का. तानाशाही मतलब कोई किसी फैसला वो जब लेता है तो किसी से कोई उसको सजेशन की या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है. इसमें जो प्राधिकरण है वो केंद्रीकृत होता है. केंद्रीकृत का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अथॉरिटी होती है, यानी जो अथॉरिटी होती है वो पूर्ण रूप से उस नेता के हाथ में होती है. जो कुछ करना है उसी को करना होता है. और देखिए इसके अंदर अगर कोई भी समूह का सदस्य उसके विचारों के विपरीत अगर विचार रखता है तो उनको बलपूर्वक या किसी भी तरह से दंडित भी किया जाता है. ये निरंकुश तरह की ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है. इसमें मैंने बताया जैसे दंड का मतलब बल का भी प्रयोग किया जाता है. और लेविन के जो प्रयोग थे उन्होंने बताया था कि जो निरंकुश शैली के जो सदस्य होते हैं, यानी निरंकुश शैली को सदस्यों के बीच असंतोष की उच्चतम स्तर का कारण बनती है. यानी अगर जो निरंकुश शैली अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल को लीडरशिप फॉलो करता है
तो उस समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच के अंदर एक असंतोष की हाईएस्ट लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन के बीच में जन्म लेता है। निरंकुश नेता आक्रामक और आत्म केंद्रित पाए जाते हैं। आक्रामक आप समझते हो, दे आर वेरी अग्रेसिव एंड सेल्फ सेंटर्ड, दिस मीन्स वो जितना जो फैसला लेते हैं वो स्वयं लेते हैं, जो प्लान करते हैं स्वयं प्लान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक बार इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक, द डिसीजन पर्टेनिंग टू ग्रुप आर टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेंबर्स। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस दैट दे डोंट सीक एनी कंसल्टेशन और एनी सजेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, फॉलोअर्स और पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यू कैन सी द मिलिट्री लीडरशिप और डिक्टेटरशिप। सी द नेक्स्ट, द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड, दिस मीन्स सेंट्रलाइज्ड मीन्स एवरी पावर मेकिंग ब्रेकिंग ज्यूरिडिक्शन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू लॉज एंड ग्रुप्स टोटली इज इन द वन हैंड दैट इज इन ऑटोक्रेटिक लीडर एंड मोर ऑफन यूज इज फोर्स टू पनिश द opposing views, which I already explained. Lewin's experiment suggested that autocratic style caused the highest level of discontent among members. This is very clear. They are found to be aggressive and self-centered. Here, who is aggressive and self-centered? The autocratic leader. The next type of, let us see, लोकतांत्रिक या सहभागिता, participative या democratic. ये आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक तरीका है, उसको आप देख सकते हैं क्या है। लोग या सदस्य, पीपल और ग्रुप के जो सदस्य हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, इट इज वेरी क्लियर। और नेता आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं और उसको बनाते भी हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक जो लीडरशिप है इसी प्रकार की होती है। लोग नेतृत्व की इस शैली को खूब पसंद करते हैं, आएगा ही, क्योंकि जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, दे आर आस्क्ड टू सजेस्ट द मीन्स एंड सोल्यूशन टू द ग्रुप प्रॉब्लम्स एंड जो पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उससे उनसे सजेशन ली जाती है, उनकी उनको वैल्यू दी जाती है, उनके एस्पिरेशंस को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उनके साथ समूह संबंधित मुद्दों पर, समस्याओं पर खुलकर चर्चा की जाती है, जिसके कारण से जो नेता होता है वो समूह केंद्रित होता है, पूरा समूह के प्रति उसका ध्यान होता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है और सामाजिक भावात्मक उन्मुख पाए जाते हैं, यानी सोशो इमोशनल ओरिएंटेड जो है इस टाइप के लीडर। सोशियो इमोशनल लीडर क्या होते हैं ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि व्हाट इज सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड लीडर्स। अब एक बार लेट अस सी इट इन इंग्लिश, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल्स, द पीपल और मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, इट इज वेरी क्लियर। पीपल आर रिपीटेडली आस्क्ड टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू फॉर द पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज एंड लीडर सीक्स द कंसेंसस और रादर फैसिलिटेट इट, वो अच्छा आशा रखता है आम सहमति की और उसकी कोशिश भी करता है कि आम सहमति बने। पीपल टेंड टू लाइक दिस स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्टाइल, इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज देयर व्यूज एंड देयर नीड्स आर बीन फुलफिल्ड, दैट्स वाई दे लाइक दिस डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। मैनिफेस्ट बिहेवियर, हियर हु मैनिफेस्ट, लीडर, द लीडर मैनिफेस्ट बिहेवियर सिमिलर टू मेंबर्स, जो ग्रुप के सदस्य होते हैं वैसा ही व्यवहार वो जो ग्रुप का नेता होता है वैसा व्यवहार वो करता है एंड डिस्कसेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विद देम, ये क्लियर बात है, उनके साथ वो डिस्कस करता है। दे आर फाउंड टू बी ग्रुप सेंटर्ड एंड सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड, दे बिलीव इन डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्रुप सेंटर्ड एंड दे आर सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हस्तक्षेपी, अहस्तक्षेपी, लिस इज फेयर, लिस इज फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चलो करो, यानी कि लेट डू। निर्णय लेने की प्रक्रिया में आज इस टाइप की जो लिस इज फेयर टाइप की लीडरशिप टाइप होती है, इसमें जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया होती है, नेता की भूमिका बिल्कुल न्यूनतम होती है, बिल्कुल ही कम होती है। इस शैली में सदस्य स्वयं निर्णय लेते हैं, बैठते सदस्य डिसाइड करते हैं और अपने समूह के प्रति या अपने प्रति जो भी चीज़ उनको रिक्वायरमेंट होती है वो फैसला उसका वो स्वयं करते हैं। लीडरशिप का जो रोल है, नेता का जो रोल होता है, बिल्कुल ना के बराबर या मिनिमम होता है। इस शैली के नेता अत्यधिक विकेंद्रित प्रकृति के होते हैं, अभी कहते डिसेंट्रलाइज मीन्स वो अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं, अपनी जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने समूह के सदस्यों को वो पूर्ण रूप से डेलीगेट करते हैं, उसी को विकेंद्रित प्रकृति के कहा जाता है। सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण, बिल्कुल ही बिल्कुल मीन्स लीस्ट कंट्रोल होता है मेंबर्स के ऊपर और उनके साथ न्यूनतम संपर्क रखते हैं। नाउ लेट अस सी लिस इज फेयर इन इंग्लिश, French word which means let do, let them do, let the people who are the group members, they decide themselves, so regarding their decisions, their group activities and all other related activities. Leader's role in decision making in listen-fair type is minimum. Members themselves take decisions, they do not to seek
permission from the leader, but they, in such type of leadership, they themselves sit down together, discuss, brainstorming, and they come out with the decisions. It is highly delegative in nature, means the role, the power has been delegated to the people or the group members. Here have least control and minimal contact with the members, means who? Leader. The leader have almost nil control, least control and minimum contact with the leaders. और इसके बाद देखते हैं परिवर्तनकारी और करिश्माई, जो कि जेम्स सॉरी मैक्स वेबर ने दी थी, जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, वो बताते हैं कि इस प्रकार के नेतृत्व शैली विशेष गुणों जैसे प्रतिबद्धता, प्रेरणा, शारीरिक हाव भाव, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन हो गया, शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आदि पर आधारित होती है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस इन पर। अब आप देखें करिश्माई लीडरशिप की एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। परिवर्तनकारी या करिश्माई नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं, देखो नीड्स और महत्वाकांक्षाओं यानी उसके एम्बिशंस का पूरा ध्यान रखते हैं। दे हैव क्लियर कट माइंड कि हमारे जो नेता के जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी जो जरूरतें हैं या उनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी तो उसको करिश्माई कहते हैं। वे प्रभावी प्रेरणा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन और करिश्माई व्यवहार के माध्यम से अपने अनुयायियों की विचारधारा तक, जो उनकी भावनाएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, थॉट प्रोसेस हैं, में परिवर्तन कर देते हैं करिश्माई लीडर्स हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए, कितने ही मतलब करिश्माटिक लीडरशिप, उनके अंदर गुण थे करिश्माटिक लीडरशिप के। क्या था, झांसी की रानी को देखिए कि शी हैज करिश्माटिक लीडरशिप, लोगों को संगठित एक आवाज में, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, दे वॉन्टेड टू सपोर्ट दैट लीडर, और देश को आज़ादी मिली तो उन्हीं तीन शब्दों के कारण इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि दिस लीडर हैज पावर, दिस लीडर हैज इंटेलिजेंस एंड दिस इज द करिश्माटिक लीडर, जो कि आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकेगा भारत से। इसीलिए उन्होंने कहा, सोचा कि इससे अच्छा है कि हम छोड़ के चले जाएं। ही वॉज अ बिग एंड बिग करिश्माटिक लीडर। आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपने सुना है, ही वॉज ऑल्सो करिश्माटिक लीडर। चलो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है कि करिश्माटिक लीडर कौन होता है। खास करके महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि वो लोगों की, अनुयायियों की, अपने फॉलोअर्स की जो विचारधारा है उसमें तक परिवर्तन कर देते हैं, लोग सोचना दूसरे तरीके शुरू कर देते हैं। ये है करिश्माटिक लीडरशिप। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंस्पायरेशनल मोटिवेशन इतनी मजबूत होती है कि वो अपने लक्ष्य तरफ इतने उन्मुख होते हैं कि लोग जो है उनके पीछे स्वयं ही चल देते हैं, और इसी को हम करिश्माटिक लीडरशिप कहते हैं, जो कि जेम्स वेबर ने बताया, मैक्स वेबर ने बताया था। नाउ लेट अस सी इट इन इंग्लिश, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड करिश्माटिक लीडरशिप। द लीडरशिप दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव ट्रेट्स, दैट इज कमिटमेंट, दे आर कमिटेड टू द पीपल, दे आर कमिटेड टू द गोल एंड दे आर कमिटेड टू द एम्बिशंस ऑफ द पीपल एंड एम्बिशंस ऑफ द सेल्फ। प्रोग्रेसिवनेस, दे नो हाउ टू मोटिवेट पीपल, बॉडी लैंग्वेज, देयर बॉडी लैंग्वेज, द करिश्माटिक स्टाइल ऊज फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज एंड इंस्पायरेशनल मोटिवेशन एक्सेट्रा ऑफ द पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स यानी जो करिश्माटिक लीडर्स होते हैं, इंटेलिजेंटली आई ऑलरेडी टोल्ड यू फोकस इन फॉलोअर्स रिक्वायरमेंट्स नीड्स एम्बिशंस, उनकी सारी एम्बिशंस पर क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या वो चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए इस शैली का उपयोग करते हैं एंड दे अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। दे ट्रांसफॉर्म द थॉट प्रोसेस थ्रू इफेक्टिव इंस्पायरेशन एंड करिश्माटिक बिहेवियर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग हाईली एस्टीम्ड सुभाष चंद्र बोस, हु वॉज द मेन पॉइंट इन गेटिंग इंडिया फ्री। इन इंग्लिश पीपल्स, ब्रिटिशर्स, दे वर अवेयर दैट दिस इज द ओनली लीडर इन इंडिया, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, हु कैन थ्रो देम आउट। एंड वन देयर वॉज आस्क्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वाई यू आर लिविंग इंडिया, यू हैव वॉन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्टिल यू आर लिविंग इंडिया। ही टोल्ड देयर इज ओनली वन रीजन दैट वी आर लिविंग इंडिया इज ड्यू टू थ्री वर्ड्स, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। डियर फ्रेंड्स, ही वॉज अ बिग एंड बिग करिश्माटिक लीडर। एंड मार्टिन लूथर किंग इन अमेरिका, ही वॉज ऑल्सो करिश्माटिक लीडर। सो वील नॉट डिस्कस मोर अबाउट, यू कैन स्टडी फर्दर हु आर द करिश्माटिक लीडर्स। सो डियर फ्रेंड्स, टूडे वी हैव रेड अबाउट लीडरशिप, अगेन वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड टाइप ऑफ लीडरशिप विच हैज बीन गिवन बाई कर्ट लेविन एट ऑल इन 1939 एंड वन बाई
मैक्स वेबर. थैंक यू फ्रेंड्स, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दीज आर रेफरेंसेज, जहाँ से मैंने ये लिए हैं. आप रेफरेंसेज आप देख सकते हैं, दीज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बुक्स में, किताबों में अवेलेबल है. फाइनली थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू नेक्स्ट टाइम. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस टाइप टू, दैट आर बेल्स एट ऑल हु आर डिस्कस्ड टू मोर टाइप ऑफ लीडरशिप, दैट इज टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप एंड सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड लीडरशिप. थैंक यू फ्रेंड्स वन मोर.